सर एकदम फर्स्ट क्लास, नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं आपका दोस्त सागर सलमान पांडे और मेरे साथ मेरे गॉडफादर, मेरे जस्ट लाइक फादर बैठे हुए दिलीप गुलाटी जी। नया साल बहुत मुबारक हो सर, कुछ बोलिए। सागर जी ने यहाँ पे जो पूजा रखी हुई है और साईनाथ जी की मूर्ति जो स्थापित की है, तो सबसे पहले मैं कहूँगा जय साईनाथ, जय साईनाथ। और क्या रीजन है सागर जी की मूर्ति जी? ये संजय भूषण पटियाला जी मेरे दोस्त हैं, जो बहुत ज़बरदस्त प्यारों हैं और मेरे बहुत करीब हैं, बहुत दिल के करीब हैं, जस्ट लाइक पार्ट ऑफ फैमिली। आज नया साल है, नए साल के दिन बहुत दिन से ऐसे मन चल रहा था कि घर में पूजा कराऊंगा और एक साईं बाबा की मूर्ति की स्थापना करूँगा। तो मैं थोड़े दिन पहले शिरडी गया, वहाँ से साईं बाबा की मूर्ति बाबा के आश्रम से वहाँ से मंदिर में पूजा करवा के लेके आया और यहाँ आज मंदिर की स्थापना की और वहाँ साईं बाबा का मूर्ति स्थापना किया। तो उसी के उपलक्ष्य में मैंने पूजा रखी थी और नया साल है तो मैं चाहता हूँ सब लोग मिले, एक साथ में गेट टुगेदर हो और एक बार सब लोग दिल से बोलिए सिरडी वाले साईं बाबा की जय हो। बाबा की जय। क्या बात है। तो ये था, इसलिए एक छोटा सा गेट टुगेदर रखा और सब लोगों को मैं सोचा कि इसी बहाने मिलने के, नए साल में सब लोग बिजी रहते हैं तो पहले दिन मुलाकात करेंगे और नया काम स्टार्ट होगा, सब लोग अपने आप में बिजी रहेंगे। जैसे अभी रिसेंटली सलमान भाई ने स्किन अवार्ड में कहा कि नए साल की उपलब्धि पे जिसका 2018 अच्छा गया उसका 2019 बहुत अच्छा जाए और जिसका 2018 खराब गया उसका 2019 उससे भी ज़्यादा अच्छा जाए। तो ये मैं चाहता हूँ आपके माध्यम से, संजय भूषण पटियाला के माध्यम से, इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से, कि सबका नया साल बहुत अच्छा जाए, बहुत अच्छा काम करें और सब लोग अपनी सक्सेस को आगे बढ़ाएं। दिलीप जी। जी सर। आज आए हुए सागर जी घर पे, साईं बाबा के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल सर, मुझे जब इन्होंने फ़ोन करके बताया कि ऐसे स्थापना रखी और पूजा है सत्यनारायण जी की और साल का पहला दिन था, तो मैंने ये सोचा कि इससे अच्छा दिन मेरे लिए क्या हो सकता है कि मैं ज़रूर जाऊं, दर्शन करूं और सागर अपने घर का बच्चा है उसे भी प्रोत्साहन दूं। और फिर इसने मुझे बताया कि संजय भूषण पटियाला जी भी आ रहे हैं, वो भी मुझे बहुत खुशी हुई। संजय जी ने अभी मेरी बेटी की शादी थी, जो उन्होंने मेरे साथ 5 दिन 6 दिन मेहनत की, वो मैं शायद उनका ये कर्ज शायद ये ज़िंदगी में नहीं उतार पाऊँगा। लेकिन तो अभी मालूम चला कि दिलीप गुलाटी जी बॉलीवुड की बहुत बड़ी फिल्म बना रहे हैं, तो क्या सागर पांडे उसकी भूमिका होंगे? पक्का जी, मेरी हमेशा पूरी कोशिश रही है कि मेरी हर फिल्म में ये रहे और 2019 में कुछ हम 3 भोजपुरी और 3 बड़ी हिंदी फिल्में प्लान कर रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि मेरी सारी फिल्मों में ये रहेंगे, ऐसी पूरी मेरी कोशिश है। बस अगर मेरे पास डेट नहीं भी रहेगी तो दिलीप जी के लिए सारी डेट कैंसिल करके, और मैं इनके साथ हमेशा काम करने की कोशिश करता हूं और आज तक ऐसा नहीं हो कि इनकी कोई फिल्म हो उसमें मैं ना रहूं। मोस्टली मैं ज़्यादा से ज़्यादा फिल्मों में रहता हूं और इनकी 6 फिल्में स्टार्ट हो रही हैं तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा फिल्मों में रहने की कोशिश करूँगा और रहूँगा, ये मेरा खुद का। ये हकीकत है और मैं मोस्टली सारे इंटरव्यू में, हर इंटरव्यू में बताता हूँ कि दिलीप जी ने ही मुझे सलमान खान बनाया। मैं एक एक्टर था जो यूपी से राजा भैया के शहर प्रतापगढ़ से आया था और इन्होंने मुझे देखा, बोला यार इनके साथ एक बहुत बड़े विलेन हुआ करते थे, सर क्या नाम था उनका? गोगा कपूर जी। इनके मुँह से सुनिए, गोगा कपूर जी ने मुझे देखा और बोला यार ये मुंडा तो सलमान खान दिखता है, तो दिलीप जी इन्हें बुला लो, और इन्होंने मुझे बुलाया और पहली फिल्म में एज ए हीरो लॉन्च किया, एज ए सागर पांडे सलमान खान, सागर सलमान खान बना दिया इन्होंने, सागर सलमान पांडे। और आज से मैं तब से आज तक मैं सागर सलमान पांडे बन के और पूरा वर्ल्ड घूम लिया, इंडिया में काफ़ी फिल्में कर लिया, सलमान खान सर के साथ में काम कर रहा हूँ। बिकॉज ऑफ अभी लेटेस्ट में सलमान जी सर कौन कौन सी फिल्में सर, मैं ये आपको उनकी फिल्मों के बारे में नहीं बता सकता हूँ क्योंकि कंपनी मुझे बाउंड कर रखती है, बट मोस्टली मैं सलमान भाई के साथ उनकी फिल्मों का बॉडी डबल करता हूँ और भाई के साथ मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और मुझे मानते भी हैं और जितना काम होता है मैं करता हूँ उनके साथ में, सारी फिल्मों करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, एक दो डायलॉग बोलिए सलमान जी का। यार कमाल करते हो, स्वागत नहीं करोगे हमारा? नया साल है, स्वागत करो, आप सबका स्वागत है, आइए आपके साथ में खेलते हैं 10-10 कदम, यानी 2019 में 10 कदम नहीं 20 कदम। मेरे बारे में इतना मत सोचो,
दिल में आता हूँ, समझ में नहीं। आप डेविल के पीछे, डेविल आपके पीछे, टू मच फन। ये जीना भी कोई जीना है जिसमें किक ना हो पगली। दोस्तों करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। सर अभी देखिए, मैं एक तो एक फिल्म प्लान हो रही है जो 26 जनवरी के बाद जिसकी शूटिंग स्टार्ट होगी, न्याय द जस्टिस, उसकी फाइनल स्टार कास्ट विद इन वन वीक हम मीडिया को बता देंगे क्या हो रहा है। तो और उसके बाद हम दूसरे एक फिल्म कर रहे हैं इंडियन वेडिंग, उस पर भी कास्टिंग और सब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं। उसके बाद हमारी बंकिंग स्टूडेंट्स हैं, ये हमारी हिंदी फिल्में हैं। फिर 3 भोजपुरी फिल्में हैं जो हम फ्लोर पे लेके जा रहे हैं, एक इना मीना डीका है, बाऊजी सुपर हिट है, एक हमारी और फिल्म है जिसका टाइटल अभी फाइनल होना है। तो ये हमारे 5-6 प्रोजेक्ट है जो 2019 में फ्लोर पे जा रहे हैं, और 2019 में ही हम कोशिश करेंगे कि हमारे सारे प्रोजेक्ट्स रिलीज हों। और आई एम थैंकफुल कि सारे सिने गोयर्स हैं, हमारी फिल्मों को पसंद करें, ऐसी फिल्में बनाने की कोशिश कर रहे हैं।